हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिक्सपैक अल्ट्रा, पिक्सपैक प्रो के बाद में पिक्सपैक अपने सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोजेक्टर, और ये भी कह सकते हैं कि इस मॉडल से पिक्सपैक ब्रांड ने अपनी शुरुआत की थी। और इसी प्रोजेक्टर को 2024 में अभी के टाइम के हिसाब से काफी एडवांस लेवल का अपग्रेड करते हुए आपके लिए ब्रांड न्यू पिक्सपैक ओजी के नाम पे लॉन्च किया है। दोस्तों, पिक्सपैक ओजी एक 1080p नेटिव रेजोल्यूशन वाला फुल HD एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, और ये इंडिया का ऐसा पहला प्रोजेक्टर बनता है जिसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 12 दिया गया है। दोस्तों, इसमें 3GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। दोस्तों, पिक्सपैक अपने सभी प्रोजेक्टर पे ब्राइटनेस का काफी ज्यादा ध्यान रखता है, और इस प्रोजेक्टर में भी आपको ऐसे ही है। इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस 11,000 लूमेंस क्लेम किया गया है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो 8,500:1 का है, जो डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। ये प्रोजेक्टर 4K 60fps HDR10 और HLG को भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको HDR ऑन ऑफ का भी ऑप्शन मिल जाएगा। पिक्सपैक अपने सभी प्रोजेक्टर में पिक्चर क्वालिटी को इनहांस करने के लिए विविड सिनेमा इंजन टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और इस प्रोजेक्टर में विविड सिनेमा इंजन 3.0 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसके लिए डेडिकेटेड VCEX प्रोसेसर लगाया गया है, जिससे आपको शार्प इमेज और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देखने को मिले। अल्ट्रा स्मूथ मोशन के लिए क्वाड कोर फ्लैश टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसमें आपको ट्रिपल कूलिंग फैन सिस्टम मिल जाएगा प्रोजेक्टर की हीट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लंबे समय तक यूज करने पर भी प्रोजेक्टर हीट ना हो और आप इस प्रोजेक्टर को लंबे समय तक यूज कर सकें। इस प्रोजेक्टर की लैंप लाइफ 40,000 आवर्स की है, और पिक्सपैक अपने सभी प्रोजेक्टर पे 1 ईयर की वारंटी डोर स्टेप सर्विस के साथ में देता है। और इस प्रोजेक्टर को आप DDeal.in पे परचेस कर सकते हैं। परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर इसका जो प्राइस है 26,999 आपको देखने को मिलेगा। और आप अगर हमारा प्रोमो कोड TR4 करते हैं, जो कि स्क्रीन में दिया गया है, उसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये प्रोजेक्टर 22,999 में मिल जाएगा। दोस्तों, इन सारे फीचर्स के अलावा भी एक और फीचर्स इसमें ऐड किया गया है। आप अगर पुराने मॉडल को देखेंगे तो उसमें आपको मैनुअल फोकस मिलता था। ये प्रोजेक्टर आता है ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, ऑप्टिकल अवॉइडेंस जैसे एडवांस फीचर्स के साथ में। दोस्तों, ये प्रोजेक्टर मेरे 12 फीट के कमरे में 103 से 104 इंच के आसपास का स्क्रीन बनाता है। मेरे पास जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है 106 इंच का है। और दोस्तों, इतने बड़े स्क्रीन में सिंगल 9 वाट का लाइट ऑन रहने के बाद भी आपको इस तरह का विजिबिलिटी देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। 4K HDR सपोर्टेड प्रोजेक्टर के हिसाब से इसकी ब्राइटनेस मुझे काफी अच्छी लगी। इसमें और भी बहुत सारे सेटिंग्स है, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिससे आप HDR को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। और जब आप HDR को ऑफ करेंगे तो डेफिनेटली आपको ब्राइटनेस भी और ज्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मिल जाएंगे अंडर 23,000। इस बजट रेंज में आपको इस प्रोजेक्टर में आपको काफी अच्छा ब्राइटनेस, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, शार्प इमेज देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रोजेक्टर को आप मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे आप अपने होम एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें, या फिर आप किसी इंस्टीट्यूशन, ऑफिस प्रेजेंटेशन, या फिर अपनी गेमिंग डिवाइस को कनेक्ट करके बड़ी स्क्रीन में गेमिंग करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोजेक्टर से बड़ी स्क्रीन में काफी अच्छा एक्सपीरियंस पा सकते हैं। कंपनी के हिसाब से इस प्रोजेक्टर से आप मैक्सिमम 300 से भी बड़ी स्क्रीन बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो 300 इंच स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसकी हाइट लगभग 12 फीट की है, और चौड़ाई की बात करें तो 22 फीट से थोड़ा ज्यादा है। स्क्रीन से लेके प्रोजेक्टर का जो डिस्टेंस है लगभग 30 से लेके 32 फीट के डिस्टेंस है, और इतने डिस्टेंस में ये 300 इंच स्क्रीन बना देता है। कंडीशन आप देख सकते हैं पूरी तरीके से डार्क नहीं है, मगर हाँ, डार्क ही कह सकते हैं, थोड़ी बहुत एनवायरनमेंट में आपको लाइट देखने को मिलेगी। दोस्तों, ऐसे एनवायरनमेंट में भी इस प्रोजेक्टर से इतनी बड़ी स्क्रीन में काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ब्राइटनेस, कलर, पिक्चर की क्वालिटी काफी अच्छी है, शार्प इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, टेक्स्ट की विजिबिलिटी काफी अच्छी है। आउटडोर में इतने बड़ी स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जा रहा है। 300 इंच स्क्रीन मैंने बनाया हुआ है लगभग 30 से 32 फीट के डिस्टेंस पे, और इसमें अभी भी फोकस एडजस्टिंग बाकी है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्टर 350 इंच के आसपास का स्क्रीन इजीली बना सकता है। डिस्टेंस आपका वही 34 से 35 फीट का डिस्टेंस रिक्वायर होगी, इतना डिस्टेंस मेरे पास में है नहीं। 4K का सपोर्ट मिलता है, तो यूट्यूब हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट, भाई 4K में आप देख सकते हैं, 4K सपोर्ट के साथ में आता है। तो आप अगर इस प्रोजेक्टर से मैक्सिमम स्क्रीन साइज 300 इंच, 350 इंच अगर बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों से यही रिकमेंड करूंगा कि आपका जो भी एक्सटर्नल डिवाइस है, उस डिवाइस के सेटिंग्स में जाके आप HDR को ऑफ कीजिए, बाकी प्रोजेक्टर में जो HDR है वो ऑन रहने
दीजिए, बिना HDR का भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपको अगर ये प्रोजेक्टर परचेस करना है तो याद रखिए कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए परचेस लिंक के थ्रू ही परचेस करना है और आप हमारा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। तो दोस्तों ये था पिक्सपेक OG प्रोजेक्टर का रिव्यू। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।